सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक एप्लीकेशन को डीएक्टिवेटेड ना करके परमानेंटली अगर फेसबुक एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना फेसबुक अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग फेसबुक आईडी को खोल लेते हैं या बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग आईडी को बंद करने का ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग को कैसे फेसबुक आईडी डिलीट करें ये पता नहीं होता है तो वो डीएक्टिवेटेड करके भी छोड़ देता है। तो अगर आप भी फेसबुक एप्लीकेशन को बस डीएक्टिवेटेड करते हो, डिलीट नहीं करते, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर पाओगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप अपना फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा भी नाम जान लेते हैं। मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेक्निकल रियल। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे इसी तरह का जो हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो फेसबुक एप्लीकेशन है इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर देख सकते हो राइट साइड पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है। आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे फिर से एक सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक नया पेज आपके पास ओपन होके खुल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग के नीचे देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स फिर से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फिर से पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे यहाँ पे आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे डीएक्टिवेशन और डिलेक्शन करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपका जो भी फेसबुक अकाउंट होगा, फेसबुक आईडी होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फेसबुक प्रोफाइल नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सियोर हो ये वाले प्रोफाइल को, ये वाले फेसबुक आईडी को डिलीट करना है तो इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे फर्स्ट पे आपको देखने को मिलेगा डीएक्टिवेटेड अकाउंट। तो नीचे आपको डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है और नीचे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहां पे आपको एक रीजन दे देना है। देन आपको नीचे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर से आपको यहां पे क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों नीचे फिर से कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे भी क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फेसबुक का पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी आपका यहाँ पे पासवर्ड है फेसबुक का वो आपको यहाँ पे क्या करना है, दे देना है। दे देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो फेसबुक आईडी होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। दोस्तों आज का जो वीडियो था यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी जानना होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक